आवर्स का यहां पर टाइम होता है तो पार्ट फर्स्ट देख लेते फ्रेंड पार्ट फर्स्ट जो होता है तो उसके अंदर आपको टोटल टेन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर, हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए होता है ओके तो चलो टू मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा होता है यहाँ पर रिपीट रिपीट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ओके okay, 2021 में अलग क्वेश्चन पूछेंगे 2022 में वही क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं तो यहाँ पर आप केयरफुली यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ओके okay, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए आप तो चलो देख लेते हैं पार्ट ए पार्ट ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द नीड ऑफ पिलोट प्लांट स्टडीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पिलोट प्लांट जो आपको पता होगा फ्रेंड पिलोट प्लांट मतलब क्या होता है जो हमारी लार्ज स्केल पर जो इंडस्ट्री के अंदर जो लार्ज स्केल स्केल पे टैबलेट बन, बनती है तो वही टैबलेट स्मॉल स्केल पे वहाँ पे बनाना उसी को पिलोट कहते हैं ओके okay, तो इसकी ज़रूरत क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट सेकंड राइट द लेवल ऑफ एक्सचेंज एक्सपेक्टेड अंडर एस यू थर्ड देख लीजिए एक्सप्लेन द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओके यहाँ पर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है फोर्थ नंबर का देख लीजिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोजेक्ट टीम इन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर जो प्रोजेक्ट टीम होती है तो उसका क्या रोल है तो इसके बारे में यहां पर आपको डिस्क्राइब करना है फिफ्थ नंबर पे इन लिस्ट एट लिस्ट फोर नेम्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज फंक्शनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओके रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो आपको पता होगा फ्रेंड्स जैसे कि इंडिया के सी कौन सी सी डी एस सीओ ओ ओके डी सी जी आई ये जो है इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ऐसे ही आपको फोर नेम यहां पे बताना है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के फोर नेम यहां पे आपको बताना है सिक्स नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन इनोमरेट द कैटेगरीज एंड द टाइप ऑफ आई एन डी एस तो आई एन डी एस की टाइप कौन कौन से तो उसके बारे में यहां पर आपको डिस्कस करना है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स के बारे में यहां पर आपको बताना है सेवन नंबर वट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन ए बी एल एक्रीडेशन एक्रेडेशन एन ए बी एल एक्रेडेशन के क्या बेनिफिट्स हैं तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है एक नंबर का देख लीजिए मैंशन द डिफरेंस बिटवीन करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्वालिटी सिस्टम ओके एक सी ए पी एके इसे हम ऐसे भी बोलते हैं कापा भी कहते हैं हम इसे करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन इसको हम कापा भी कहते हैं ओके कापा कब अप्लाई करते हैं हम जब का कहीं पर रूट ऑफ कॉज ऑफ एनालिसिस एनालिसिसके सीओ आपको पता होगा अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम की मेन रूट तक जाना है आपको मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना है और वहां पर आपको कापा अप्लाई करना है कापा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन ओके नाइन नंबर का देख लीजिए राइट द फंक्शन ऑफ द स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है तो टेन नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू ड्रग अप्रूवल तो न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए कौन कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है तो so ये था फ्रेंड्स पार्ट ए आप आते हैं पार्ट बी के ऊपर तो पार्ट बी के ऊपर फ्रेंड्स देख लीजिए जो आपको यहाँ पर टू क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हर एक क्वेश्चन टेन मार्क्स के लिए होता है तो देख लीजिए ले देख लेते हैं इसके अंदर आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेन मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए इलेवन नंबर का देख लीजिए एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्केल अप टेक्नोलॉजी स्केल अप टेक्नोलॉजीज के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट होती है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है पहले नंबर डिफाइन द टी क्यू एम एंड एक्सप्लेन इट्स की एलिमेंट्स टी क्यू एम के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है थर्टी नंबर का देख लीजिए डिस्कस आई एन डी अप्रूवल प्रोसेस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम ओके जो आई एन डी अप्रूवल प्रोसेस होती है मतलब आई एन डी कैसे हमारे ड्रग को अप्रूवल देती है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको उसकी जो डायग्राम है तो डायग्रामेटिक यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ओके okay, तो ये पार्ट बी का था फ्रेंड्स आप पार्ट सी के ऊपर आते हैं यहाँ पर आपको सेवन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हर एक क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए होगा टोटल जो पार्ट सी है हमारा वो तो थर्टी फाइव मार्क्स का होता है देख लीजिए यहाँ पर फोर्टीन नंबर का डिस्कस द स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर द लिक्विड ओरल फार्मास्यूटिकल डिफाइन द फॉलोइंग फॉलोइंग टर्म्स तो यहाँ पर जो टर्म्स है तो ये आपको डिस्क्राइब करना है मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि क्वालिटी होगी क्यूसी क्यू ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यू बी डी ओके तो इन सब के बारे में सबकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है सिक्सटीन नंबर का देख लीजिए डिस्कस बिजनेस प्रोसेस बेंच मार्किंग एज अ टूल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सेवेंटीन नंबर का व्हाट आर द रोल्स ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स पर्सनल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एटीन नंबर का देख लीजिए डिस्क्राइब डिफरेंट मॉडल ऑफ द स्टेटिस्टिकल डिजाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स नाइनटीन नंबर डिस्कस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आर एंड डी एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जीएमपी एंड जीएलपी ओके तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है और जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है उसका डिफरेंस लिखना है ट्वेंटी वन नंबर डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट ओके नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस डिस्कस करना है नेक्स्ट ट्वेंटी टू डिस्क्राइब द टर्म्स क्यू टी पी पी एंड क्यू सॉरी सी क्यू ए कंसरिंग क्यू बी डी ओके तो ये जो टर्म्स है तो इस टर्म्स को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर था हमारा कौन से सब्जेक्ट का इंडस्ट्रियल फार्मास सेकेंड का आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा टेन मार्क्स के लिए क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप अगर आपके पास सिलेबस कॉपी है तो सिलेबस कॉपी से आप कंपेयर कीजिए आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स के लिए कौन से यूनिट से आएंगे आयो फ्रेंड आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपने आप तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप ईजिली हमारी वीडियो देख सकते हो तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी और सेमिस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच